प्रदेश के औद्योगिक विकास व उद्यमियों को नवीनतम तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए आयोजित इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो का शुभारंभ शुक्रवार को इंदौर में हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी रहे। इंडियन प्लास्टिक फोरम एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश फ्यूचर कम्युनिकेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह प्रदर्शनी 20 से 23 दिसंबर तक लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर इंदौर में चलेगी। इस आयोजन में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया, सचिव सुनील व्यास, इंडियन प्लास्टिक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल, फ्यूचर कम्युनिकेशन के अमय गोखले, लक्ष्मण दुबे सहित उद्योगपति, एग्जीबिटर्स एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। देखिए, इंडस्ट्रियल एक्सपो में आज की तारीख में 300 से ज़्यादा स्टॉल हैं। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट, जिसमें खास करके इस बार रोबोटिक पे ज़्यादा ध्यान देके उनके एग्जीबिशन लगे हैं। इस एग्जीबिशन को इतना पसंद किया जाता है कि हर साल जब लगने के बाद भी इसके अंदर फूड फॉलोइंग जो है बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ स्टॉल पिछली बार 250 थे, इस बार 300 पहुंच गए, मुमकिन है अगली बार 400 स्टॉल पहुंच जाए। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है, जैसे हमारा एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज जिसमें 1800 मेंबर हैं स्मॉल और माइक्रो यूनिट मिला के, तो इन सब का जो रीच है, इन सब की जो पहुँच है उन लोगों तक हो जाती है जहाँ वो अकेले में नहीं पहुँच पाते। आज एक छोटा एंटरप्रेन्योर होता है, छोटा इंडस्ट्री वाला होता है, उसकी ताकत नहीं होती कि बॉम्बे चले जाए एक काम के लिए ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ साउथ जा सके, साउथ में जाके इंडस्ट्री को ढूंढ सके। यहाँ पे उसको रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट मिल जाता है, जिससे उसी की टेक्निकल अपग्रेडेशन हो जाता है, नॉलेज अपग्रेडेशन हो जाता है, क्लाइंट से मुलाकात हो जाती है, फेस टू फेस मीटिंग हो जाती है, क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है। इतने सारे फायदे घर बैठे गंगा जिसको बोलते हैं वो यही मिलती है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ और इंडियन प्लास्टिक फोरम ने मिलकर इस एक्सपो का आयोजन किया है और निश्चित रूप से बहुत ही वृहद स्तर पर इसका आयोजन किया गया है। 300 से अधिक इसमें एग्जीबिटर्स हैं यहाँ पर, और ऐसे आयोजनों के माध्यम से जो छोटे और मझोले उद्योग हैं और जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको निश्चित रूप से बहुत बढ़ावा मिलता है, और इसके माध्यम से रोजगार सृजन की तरफ भी हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और ऐसा एक्सपो का आयोजन जिस स्तर पे हुआ है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही सफल ये एक्सपो रहेगी, और इसमें पिछले बार 20,000 लोग इसको देखने के लिए आए थे और मैं समझता हूँ इस बार ये संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि भी होगी, और इस एक्सपो को हार्दिक शुभकामनाएं।